काका जी राम राम। राम राम साहब, कहाँ से आए हो आप? मैं नागौर से आया। नागौर कहाँ से? बूढ़ा भगवान दास नागौर। अच्छा, नागौर 30 किलोमीटर आता है। अच्छा, कितने जानवर लेके आए आप? 3 जानवर लेके आया। 3 जानवर तो ये तीनों घोड़ी है? तीनों घोड़ी है, एक बछेरी है, घोड़ी दो घोड़िया। कौन सी है बछेरी? बछेरी है संजाब। अच्छा संजाब। और आपका कोई फार्म होगा वहाँ? नहीं नहीं फार्म वार्म नहीं। अच्छा ऐसे ही सौ राखो है ना? सौ। अच्छा अच्छा, तो ये कौन सी नस्ल की बच्ची है? ये संजाब है। संजाब संजाब। अच्छा, ये संजाब बोलते हैं, काठियावाड़ी संजाब है ये। काठियावाड़ी। हाँ काठियावाड़ी की। इसके कान छोटे होते हैं ना? कान छोटे होते हैं, मुंह छोटा होता है। मुंह छोटा होता है। मोरा में लदक होती है। अच्छा, ये पीठ पे लदक होती है इनके। हाँ, लदक होती है। अच्छा, और काठियावाड़ी ये बोलता है सिंदन। इसको बोलते हैं सिंदन, ये वाला है ना? हाँ, ये काली है, सिंदन है। काली और सिंदन देसी। मारवाड़ी। मारवाड़ी। अच्छा, वो भी आपका है? कोई भी बात, छोटा भाई का है। तो आप इसको ऐसे क्यों घुमा रहे हो अभी? इसको ये घुमा रहा है कि ये जाम नहीं हो रहा, पग पैर नहीं जाम नहीं हो रहा। अच्छा, चलते फिरते रहे तो कसरत हो जाती है। हाँ। अच्छा, तो इसकी आप बिछेरी की कितने रुपए मांग रहे हो? प्राइस क्या रखी है इसकी? इसका 70,000 रुपये लगा रहा है। अच्छा, इसकी 70,000 रुपये है। और ये इसका कितना है? ये 80,000 ही है। अच्छा 80,000। और वो जो इसको अभी आप घुमा रहे हो उसको? इसकी 65,000 रुपये लगा रहा है। अच्छा 65,000। अच्छा, तो आप हरदम आते हो यहाँ पुष्कर मेला? हर साल मेला आ रहा है। कितने साल से आ रहे हो आप? माने कम से कम दादा परदादा यात्रा में भी है वहाँ। अच्छा, दादा परदादा से आ रहे हो तुम? हाँ। यही शौक है आपका घोड़ी रखने का? घोड़ी शौक है। अच्छा, तो पिछली बार तो कोरोना की वजह से आए नहीं होंगे? पिछली बार लॉकडाउन हिसाब आया, लॉकडाउन मेला बंद था। अच्छा, मेला बंद है, फिर कारण आया नहीं। आपके पास मेला खुल गया था मेला वास्ते। इनकी शौक निकल गई तो आप बेच रहे हो इसको? अच्छा, वापिस खरीद लोगे यहीं से? अभी इसी नस्ल के लोगे या अलग दूसरी नस्ल का ले लेवा? कोई मिले नस्ल ले लेवा, कोई भी कलर मिल जाए उस कलर ले। ये नहीं है कलर, वो काला भी हो जाए। अच्छा, कोई भी कलर आता है जब वो कलर ले सकता। तो आप खरीदते भी हो और बेचते भी हो? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है काका जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए।